हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द टॉपिक ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक पहले ही अपनी वीडियो में करवा दिए हैं, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। नाउ स्टूडेंट्स, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे 1, 2, 3, कोई भी 3 लगातार आने वाले इंटीजर्स। तो यहाँ पर जो हमारे इंटीजर्स होंगे, लेट द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी, वो होंगे, एक एक्स है तो दूसरे में उसमें एक और प्लस हो गया और तीसरे में उसमें एक और प्लस हो गया। 3 लगातार इंटीजर्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एक्स है, एक उससे पीछे वाला एक्स माइनस वन है और एक उसके आगे वाला एक्स प्लस वन है। हम इसे किसी भी तरह से 3 लगातार आने वाले इंटीजर्स लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है कि इन तीनों इंटीजर्स का सम जो है वो है 51। सो वी गेट इट एज x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। अब ये x 1, 2 और 3, तो यहाँ पर हमारे पास कितने x हैं? 3x हैं। और नाउ 1 और 2 मिलके हो गया 3। अब हम इस 3 को ऑपोजिट साइड पर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पर, तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 48। नाउ x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 यहां मल्टीप्लाई में था, और फिर हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, so we get it as 16. so x is equal to 16. अब हमारे तीनों इंटीजर्स कौन से होंगे? so the integers are 1st था हमारा x, वो है हमारा 16. second था x plus 1 which is 16 plus 1 is 17, और थर्ड था x plus 2 which is 16 plus 2 which is 18. so we get 3 consecutive integers as 16, 17 and 18. question 7th, the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. find the multiples. बच्चों, मल्टीपल्स क्या होते हैं? अगर हमने 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं, मतलब 8 वन्स आर 8, 8 टूज आर 16, तो जो 16 है ये भी 8 का मल्टीपल हो गया, 8 थ्रीज आर 24 ये भी मल्टीपल हो गया। अब 3 कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, तो जब हमने 8 के मल्टीपल्स निकालने होंगे तो 8 तो हमारा x कुछ भी हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? 8 का। इन दोनों में क्या होता है? 8 का। तो अगला वाला हम कौन सा लेंगे? x में 8 प्लस कर देंगे, और उसके अगले वाले में इसमें 8 और प्लस कर देंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे 3 अलग अलग कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स। हम इसे लिखेंगे कैसे? लेट अ मल्टीपल of 8 be x, then next multiple is x plus 8 and next to this
इसके अगले वाला मल्टीपल उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एट प्लस एट, और एट और एट क्या होता है, एक्स प्लस 16। अब हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसमें हमें उन्होंने क्या कहा है कि तीनों के सम, मतलब इन तीनों को ऐड करके, मतलब एक एक्स, दूसरा एक्स प्लस एट और तीसरा एक्स प्लस 16, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 888। अब यहाँ पे एक एक्स, ये दूसरा एक्स और ये हो गया तीसरा एक्स, ये हो गया 3x प्लस 8 प्लस 16 इज 24, और यहाँ पे है 888। अब हम इसे आगे करेंगे सॉल्व, 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24, क्योंकि यहाँ पे टर्म प्लस की थी। This is equal to 3x is equal to, हम इसे माइनस करेंगे, we get 468। Now x is equal to 864 divided by 3। यहाँ पे 3 multiply में था, यहाँ divide हो गया, और अब हम इसको करेंगे simplify, we get 288। Now x is equal to 288। अब हमारा x 288 आ गया है, हमारा first multiple x था, which is equal to 288। Next is x plus 8, तो यहाँ पर हमारा हो गया 288 plus 8, which is equal to 296। Next is x plus 16, यहाँ पर x है 288, उसमें हम 16 प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 304। तो हमारे तीनों मल्टीपल्स क्या हैं, 288, 296 एंड 304। We can also check our answer by adding these three, we get the answer as 888। Question number 8. Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. Now, हमने पहले ही पढ़े हैं consecutive integers कौन से होते हैं जो लगातार आते हैं. तो let it be x. अगर एक है तो दूसरा है x plus 1 और उसके अगला हो गया x plus 2. ये है हमारे तीन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। उन्होंने कहा वो 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं रिस्पेक्टफुली। जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो रिस्पेक्टफुली 2, मतलब 2 से ये वाले को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से और इसको 4 से। अब उसने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है जब हम इन तीनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स अप टू 74। मतलब x को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद x प्लस 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है हमें x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और हमारा आंसर आएगा 74। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x प्लस 3, हमें 3 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से, इसी तरह 4 को x से और फिर 4 को 2 से, 4x मतलब 4x, 4 into 2 is 8, is equal to 74। अब हम x के टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो we will get 9x प्लस, और ये है सिंपल टर्म्स 3 और 8, इट इज इक्वल टू 11, इज इक्वल टू 74। अब ये है 9x
इज इक्वल टू 74 और 11 को हम ऑपोजिट साइड ले जाएंगे माइनस 11. 9x इज इक्वल टू, जब इसे माइनस किया वी गेट 63. अब हम 9 को ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई के टर्म है, उधर जाके हो गए डिवाइड की और फिर इसे हमने सिंप्लीफाई किया, आ गया हमारा x इज इक्वल टू 7. अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 7. अब हमें तीन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं जो थे x, x प्लस 1, x प्लस 2. तो x हो गया है हमारा 7. x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 दैट इज 8 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9. सो दीज आर अवर थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स. क्वेश्चन 9th, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? अब हमें राहुल और हरून की जो एज है वो रेशियो में दी है 5:7, तो उससे हम लेट करेंगे. लेट द प्रेजेंट एज of Rahul be 5x, जिसका नाम पहले है उसकी पहले, and the present age of Harun be 7x. अब जब ये दोनों 5:7 की रेशियो में थे तो देखो दोनों का x x कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन वो 5 और 7 की रेशियो में आ जाएंगे, तो ये उनकी प्रेजेंट एज हो गई. अब 4 years के बाद उनकी क्या एज होगी तो वो हम अलग से लिखेंगे. आफ्टर 4 years एज ऑफ राहुल, तो राहुल की एज क्या हो जाएगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 4 years ऐड हो जाएंगे. और जो हरुण की एज है वो है 7x, उसमें भी 4 years ऐड हो जाएंगे. अब हमें कंडीशन क्या दी है, According to the question और condition जो भी हमें दी गई है वो ये है कि 4 साल के बाद दोनों की एज का सम जो है वो 56 years हो जाएगा, मतलब 5x plus 4, ये 4 साल बाद वाली एज है राहुल की, और 7x plus 4, ये 4 साल वाली एज है हरुण की. तो इन दोनों का सम करेंगे तो वो हो जाएगा 56 years. अब हम इसे करेंगे simplify. 5 प्लस 7 होता है 12x और 4 प्लस 4 इज 8 इज इक्वल टू 56. नाउ 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8. 56 माइनस 8 होता है 48. अब हम 12 को यहां से ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो हम कर देंगे उसको डिवाइड और इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 12 4s are 48. नाउ x इज इक्वल टू 4. हमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो प्रेजेंट एज क्या है राहुल की, 5x. तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 4, जो कि आएगी 20 years. और हरुण की एज है 7x, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, जो हो जाएगी 28 years. तो दीज आर अवर आंसर्स. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आज 6th, 7th, 8th और 9th 4 क्वेश्चंस किए हैं. कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस. I will bring next questions in my next video. Thanks for watching. Thank you.